राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तारीख आने के बाद तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया के पांचवें दिन श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ने ताल ठोंकी है। यहां निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान पुनिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल के बाद ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हनुमान पुनिया कांग्रेस और बीजेपी दोनों का गणित बिगाड़ सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ जो ड्रग्स का फैलाव बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जैसे चिट्टा काला में देखा तो नहीं है, लेकिन सुना बहुत है मैंने, उससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। सबसे पहला उद्देश्य यही है कि इसको नशा मुक्त करवाए। बाकी नहीं है तो अपने ही क्या, मैंने ठीक है, अब जनता की आवाज़ है। जितने भाई बंधु सारे कह रहे हैं नहीं भाई अपने को चुनाव लड़ना चाहिए, ठीक है, तो टिकट नहीं दी पार्टी नहीं दी, और टिकट तो मैं तो जनता की टिकट मानता हूँ। ये चुनाव लड़वा रहे हैं, ठीक है, लड़ेंगे।